अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू आर ब्रांड न्यू व्लॉग, मोहम्मद असर व्लॉग। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की न्यू रेसिपी। तो अभी आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरी ये सारी यहाँ पे चीज़ें जो है ना मैंने इकट्ठी करके रख ली हैं। और चूँकि आपको पता ही है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो विंटर स्पेशल जो हम जो करते हैं कि मतलब अच्छा भी लगता है बंदे को खाने पीने में, तो सर्दियों के लिहाज से तो यहाँ पे मैंने जो है ना ले लिया सारा अपना मटेरियल। यहाँ पे मैंने ना चिकन ले लिया। तो अभी हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है स्पेशल चिकन पकोड़ा की रेसिपी। तो मैंने कहा कि आज अपने यूट्यूबर्स फ्रेंड्स के साथ जो है ना अपने यूट्यूबर्स के साथ चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर करते हैं। और सारे जो इन्ग्रीडियंट्स हैं हमारे हमने यहाँ पर रख लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, चले जी बिस्मिल्लाह अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ अपनी चिकन पकौड़ा रेसिपी की। आपको सारे इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ मैं, रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो है ना चिकन ले लिया है, ये हमने ना हाफ के जी चिकन लिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो है ना बोनलेस चिकन लिया है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, ये हमने जो है ना बोनलेस चिकन लिया है। आधा किलो हमने चिकन ले लिया है। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्याज ले ली है, हमने इसको स्लाइसिस में काट लेना है, लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लेना है। उसके बाद हमने ना 2-3 हरी मिर्चें ली हैं। ये देखें कितनी प्यारी मुझे ना हरी मिर्चें मिली हैं, तो वो ज़बरदस्त हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने जो है ना धनिया ले लिया है, सब्ज़ धनिया ले लिया। हमने इसको अच्छे तरीके से धो के कटिंग कर ली है इसके, इसको यहाँ पे हमने प्लेट में रख ली है। अच्छा, आगे हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, ये वो हमने स्पाइसेस ले लिए हैं। यहाँ पर ज़ीरा आ गया, कलवंजी, कसूरी मेथी हो गई, यहाँ पे हमने अजवाइन ले ली है। एक कप हम इसमें, एक गिलास सॉरी हम पानी डालेंगे इसमें। अच्छा, एक कप जो है ना इसमें हम बेसन का डालेंगे भर के, क्योंकि आधा किलो जो चिकन है ना पकौड़ों के लिए हमने लिया है, आधा किलो चिकन में जो है ना हम एक कप भर के बेसन डालेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे जो है ना बहुत अच्छा आपका टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा जो है ना इससे आपका होगा कि जब बेसन कम होगा ना तो उसमें फिर ये है कि आपके वो ज़्यादा मोटे मोटे और वो इस तरह से फिर वो क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं ना, तो फिर वो मोटे मोटे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, तो आपका चिकन भी उसमें अच्छा माशाल्लाह से नज़र आएगा। और जितना कम बेसन होगा उतने अच्छे आपके स्पाइसेस पकौड़े जो है ना वो बन के रेडी हो जाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें ये जो हमने प्याज और हरी मिर्चें ली हैं ना, तो ये हम चिकन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते होंगे, अभी हम ये यहाँ पे चिकन के अंदर हमने हरी प्याज प्याज और जो है ना हरी मिर्चें डाल दी हैं सारी, ठीक है। तो इस प्याज से इनका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, एक अच्छी लुक इसमें से आएगी, जो हम चिकन पकौड़ा की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सर्दियों में वैसे ही बड़ा दिल कर रहा होता है पकौड़े समोसों का, चाय के साथ, तो मैंने कहा चले आज आपके साथ जो है ना चिकन पकौड़ा की रेसिपी मैं शेयर करूँ। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, तो जब बनेंगे इंशाल्लाह तो फिर आप भी बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। तो ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम इसके ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे। अच्छा, आगे हम जो है इसमें एक चम्मच भर के हम सूरख मिर्च डाल देंगे, क्योंकि स्पाइसेस इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो बंदा इजीली खा ले कम होने चाहिए, तो आप जो है ना ईजी रहें खाने में भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि ज़्यादा मिर्चें डालेंगे तो फिर आप खा नहीं सकेंगे। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे, हमने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया एक चम्मच, एक चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, ठीक है। एक चम्मच हम इसमें खुश्क धनिया डालेंगे साबुत। अच्छा जी, ये मुझे वैसे ही बड़ा पसंद होता है, तो ये मैंने ना थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल लिया इसमें धनिया। अच्छा, अब हम इसमें नमक डालेंगे हसबे ज़रूरत, इतना आपको ज़रूरत है अपने हिसाब से आप अपना ऐड कर सकते हैं। मैंने तो इसमें जो है ना 1.5 चम्मच नमक भी डाल लिया है, ठीक है, क्योंकि हमारे नमक भी जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा हैवी है, तो इस ये बहुत ज़्यादा फिर जो है ना हम डालते इसमें। अच्छा, अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के ज़ीरा, ये देख सकते हैं ये हमने ज़ीरा डाल दिया। और ज़ीरा वैसे भी आपके हर खाने में अच्छा लगता है, तो ज़ीरा हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। अच्छा, एक चम्मच हम इसमें भर के अजवाइन भी डालेंगे, अजवाइन भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी आप लाजमी अपनी हर चीज़ में डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी कलवंजी, कलवंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत की, तो कलवंजी आप अपने खानों में अपने हर रेसिपीज़ में ज़रूर ऐड किया करें। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी कलवंजी डालेंगे, कलवंजी
मेथी डालेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, तो कसूरी मेथी को जो है ना आपने थोड़ा सा ऐसे अपने हाथों में मसल के ना फिर डालना, ठीक। ऐसे मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मेरा एक ही हाथ फ्री है, तो ये देख सकते हैं आप, ये हमने कसूरी मेथी डाली है। यहाँ पे तो हमारे सारे यहाँ पे स्पाइसेस ऐड हो गए हैं इसके अंदर। अच्छा अब हम इसमें डाल देंगे एक कप बेसन, तो ये हमारा बेसन आ गया, तो ये हमने एक कप भर के जो है ना अपना बेसन इसमें डाल दिया है, ठीक हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने धनिया से बस काट के रखा हुआ था ना, तो अब हम ये इसमें डाल देंगे, अच्छे तरीके से प्लेट को साफ़ करना है, कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी, अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा यहाँ पे हम सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, तो अब हमने ना इनको पहले अच्छे तरीके से हाथों के साथ जो है ना मिक्स कर लेना है हर चीज़ को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं तो मैं जो है ना यहाँ पे इसको हर चीज़ को पहले हाथों के साथ मिक्स करूँगी, उसके बाद हम इसमें ना जो है ना वाटर ऐड करते जाएंगे, तो जितना हमें वाटर चाहिए होगा उसके हिसाब से हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से मैं अपने हाथों के साथ पका रही हूँ इसको मिक्स। अच्छा जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ना चिकन पकौड़ा जो रेसिपी मैंने अपनी अभी आपके साथ बताई है ना कि मैं वो बनाने लगी हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पे ना मिक्स करके रख लिया अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो है ना बेसन को अच्छे तरह मिक्सअप कर लिए, ये सारा आप देख सकते हैं। वो मैं एक्चुअली उसका उसको मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि मैं एक हाथ से ब्लॉग कर रही थी और दूसरे हाथ से मैं जो है मिक्स कर रही थी, तो सर मैंने कहा कि चले मैं जब मिक्स कर लूँगी तभी अपने व्यूअर्स को दिखाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हमारे चिकन पकौड़ा जो है ना उसकी उसका मटेरियल यहाँ पर तैयार हो चुका है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो है ना कर दिया है इसको डन। अब हम इसको यहाँ शीट के साथ रैप करके रख देंगे, थोड़ी सी देर के हम इसको रेस्ट देंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसको रैप करती हूँ, तो ये देखें जी यहाँ पे मैं जो है ना ये, तो यहाँ पे जो हम जो है ना यहाँ पे इसको शीट के साथ रैप करने लगे हैं, इसके ऊपर जो मैंने कहा जितने आ जाए ना अच्छे तरीके से, ये आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से हम कवर करके रख देंगे। थोड़ी देर हम इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, देन आपके साथ जब जो है ना इसको इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी जब ये फ्राई हो जाएंगे, और मज़ेदार से चिकन पकौड़ा रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चैलेंज यहाँ पे हम इसको गर्म कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको अच्छे तरीके से चलें जी, ये हमारा अच्छे तरीके से कवर हो गया, तो अब हम इसको रेस्ट देंगे थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। अच्छा जी व्यू यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने ना एक चटनी रेडी की है जो कि नियाज़बू की चटनी है। आई डोंट नो कि नियाज़बू कौन सा कोई दरख्त है या पता नहीं, मुझे नहीं पता इसकी, लेकिन चटनी ज़रूर बनती है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना चटनी इसकी रेडी की है नियाज़बू की, ये मेरे फादर लेके आए थे, तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ, कल वो ना जड़ी बूटी है कोई आई डोंट नो बट ये वो कल लेके आए थे, तो हमने जो है ना इसकी चटनी बनाई है, इसमें टमाटर भी हमने ऐड किया है और वो हमने जो जड़ी बूटी वो उसको हमने जो है ना पीस के, तो यहाँ पे हमने इसकी चटनी बनाई है। तो मैंने कहा चलें कि आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूँ कि मैंने नियाज़बू की चटनी बनाई है। कुछ लोगों को पता होगा कि नियाज़बू क्या होती है, तो अगर जिसको पता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वो क्या होती है, लेकिन मैंने तो जो भी था इसकी चटनी बना दी है, तो ये यहाँ पर हमारी इसकी फाइनल चटनी बन गई है। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी बनी है टेस्ट में, मैंने इसको टेस्ट भी किया है। तो चलें हम ये अपने चिकन पकौड़ा की जो हमने रेसिपी आपके साथ अभी शेयर की है उसके साथ हम जब उसको हम फ्राई करेंगे ना, तो उसके साथ भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो केचप है
वो भी हम उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे जो मज़ेदार सी चटनी न्यासबो की बन के रेडी हो चुकी है। तो ये है इसकी फाइनल लुक। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी तो बर्फी रेडी हो चुकी थी, तो यहाँ पे मामा भी जो है ना अपने थोड़ा जो है ना चिकन स्पेशल जो हमने बनाया ना चिकन का चिकन पकौड़ा, तो वो हम यहाँ पे मामा रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे जो है ना हमारे चिकन पकौड़ा रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये हमने इसको एक छाने में डाल दिया ताकि जो है ना इसमें इससे क्या होता है कि ये जो है ना आपके जो है ना ये बहुत ज़्यादा फ्रेश रहते हैं पकौड़ा, ठीक है। जो चिकन के पकौड़ा होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा फ्रेश रहते हैं। इसमें अगर आप इसको डाल देना, तो अगर आप इसको जो है ना वो टिशू पेपर के ऊपर रखेंगे या बटर पेपर के ऊपर रखेंगे ना, तो फिर उससे ये क्या होगा कि इनके जो है ना ये बिल्कुल भी वो अपना इनका क्रिस्पीपन पन ख़त्म हो जाएगा। जो ये क्रिस्पी होते हैं ना क्रिस्पी क्रिस्पी, वो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ये मुरझा जाएंगे और बिल्कुल ये ढीले ढीले हो जाएंगे ना। तो इसलिए हमने ना इसको अभी इसमें रखा है। तो इसके बाद हम इसको जो है ना अपनी फाइनल डिश में जब रेडी हो जाएंगे ना सारे, अभी यहाँ पे ये थोड़े से रहते हैं बाकी ये हो रहे हैं, ठीक है माशाल्लाह से। तो जब ये सारे हो जाएंगे तो फिर मैं आपको सर्विंग डिश में डाल के रेडी करके इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारी ये जो है बेसन की बर्फी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, इसकी फाइनल लुक देखें। ये मैंने इसको यहाँ पे गार्निश करके रख लिया, इसको सेट होने के लिए एक घंटा इसको लगेगा सेट होने के लिए। उसके बाद से फिर ये माशाल्लाह से जो है ना मैं इसके पीसेस करूँगी और भी आपको दिखाऊँगी, ठीक है। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आप चिकन पकौड़ा डिलीशियस चिकन पकौड़ा रेसिपी की जो हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की है वो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप हमारे चिकन पकौड़ा की फाइनल लुक। तो ये इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं कि मेरा तो बिल्कुल भी दिल कर रहा है कि मैं अभी से इनको खा लूँ। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी, ये आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे जो चिकन पकोड़ा है ना वो बहुत ज़बरदस्त रेडी होके तैयार हो गया। तो मैंने कहा आपके साथ आपको चले इसकी फाइनल लुक दिखाएं। तो जो बंदे कहते हैं ना कि चिकन ऐसे इस तरीके से नहीं गलता और आप इसको आप चिकन को बॉईल करके डाला करें, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये अंदर से देखें कितना सॉफ्ट है। ये माशाल्लाह से हमारा चिकन भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त गल के रेडी हो गए। ये इतना ज़बरदस्त है, इतनी इसकी अमेजिंग लुक आ रही है, क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत ज़बरदस्त। तो ये जो हमारे आज की रेसिपी थी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे जो डिलीशियस चिकन पकोड़ा हैं वो आपको कैसे लगे हैं। तो आप प्लीज़ हमारी रेसिपी से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दें, ठीक है। अब हम इसको जो है ना टी के साथ इंजॉय करेंगे क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है आज। तो हम जो है ना अपने पकौड़ा को, चिकन पकौड़ा को हम जो कि बहुत डिलीशियस बने हुए हैं, तो अभी हम इसको जो है ना करते हैं यहाँ पे मज़ेदार मज़ेदार। अब तो मेरे से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा कि चिकन की फाइनल लुक मुझे नज़र आ रही है, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर खा ही लूँ, ठीक है जी। अब मुझे इजाज़त दें, फिर से मैं आपके साथ हाजिर होंगी इंशाल्लाह किसी नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।